महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से चला आ रहा राजनीतिक ड्रामा अब खत्म होता दिख रहा है। शिवसेना को सीएम पद चाहिए जो बीजेपी को कतई मंजूर नहीं। अब शिवसेना को अपना सीएम चाहिए तो नए साथियों के साथ समझौता करना होगा। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनने के कगार पर है। कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी की ओर से शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर हरी झंडी नहीं मिल रही थी, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस के बीच विचारधारा की दीवार खड़ी थी। लेकिन कांग्रेस के जीते हुए महाराष्ट्र के विधायक शिवसेना के साथ सरकार में शामिल होकर मलाई काटना चाहते हैं। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने विचारधारा की दीवार को ढहकर शिवसेना के साथ जाने को लेकर हरी झंडी दे दी। कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जल्द ही शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाएगी। लेकिन अभी कुछ मुद्दों पर शिवसेना के साथ चर्चा बाकी है। दरअसल शरद पवार इस गठबंधन के किंग मेकर है और सीएम पद की चाबी उन्हीं के पास है। यही वजह है कि पवार इतनी आसानी से शिवसेना को सीएम पद देना नहीं चाहते। दरअसल शरद पवार चाहते हैं कि 2.5 साल के लिए सीएम शिवसेना का हो और 2.5 साल के लिए एनसीपी का सीएम हो। एनसीपी और कांग्रेस में इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई है और अब कांग्रेस एनसीपी के नेता मुंबई में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। इसके साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत शिवसेना को वीर सावरकर और हिंदुत्व के एजेंडे को पीछे छोड़ना होगा। अगर इस फॉर्मूले पर सहमति बनी तो जल्द ही शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने भी अपने सभी विधायकों को मुंबई में हाजिर होने का फरमान सुनाया है और सभी विधायकों को आईडी प्रूफ और 5 दिन के कपड़े अपने साथ लाने को कहा गया है। मतलब अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीतिक पिक्चर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।